हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, री एग्जाम डेट 17 व 18 फरवरी को हुए एग्जाम में बड़े पैमाने पर लीकेज के कारण सरकार ने इसे निरस्त किया। योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल प्रभाव से इसे निरस्त करने का आदेश दिया। उसके बाद से ही आप लोग इसके एग्जाम की डेट का इंतजार कर रहे हैं। और आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ी अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या सरकार अभी भी इसके एग्जाम की डेट को खींचने वाली है? क्योंकि आज के अखबार में एक चीज मेंशन है, ये लोग आपको नौकरी देना नहीं चाहते। आज ये चीज मेंशन की गई है कि जो कंपनी का चयन है उसकी प्रक्रिया जारी है। कंपनी के चयन की प्रक्रिया सोचो, पहले कंपनी का चयन होगा तब आपके एग्जाम की डेट मिलेगी, है ना? ये हो सकता है एक बार के लिए झूठ भी हो। क्यों? क्योंकि कंपनी से लीकेज नहीं हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था वो ट्रांसपोर्ट से लीक हुआ था। यानी आपने देखा होगा गुजरात से इसका लीकेज हुआ था, बक्सा वगैरह खोला गया था और पेपर 10 दिन पहले आउट हो गया था। 10 दिन पहले जो पेपर आउट हो गया, खुदा ना खास ये पेपर अगर हो गया होता, भर्ती कामयाब हो गई होती, तो एक भी बच्चा मेहनती नहीं लगता। ये चोर उचक्के बदमाश ही इस भर्ती में लग जाते, जो बड़े पैमाने पे लीकेज के साथ जुड़े हुए हैं, संलग्नों के साथ मिलकर इस भर्ती को ये लोग नोच कर खा जाते हैं, है ना? मेहनती बच्चा, ईमानदार बच्चा बिल्कुल परेशान हो जाता, उसके हाथ ये नौकरी बिल्कुल नहीं लगती। तो सरकार करना क्या चाह रही है बताइए? 6 महीने का पीरियड खत्म होने को है। अगर इनको कंपनी का चयन ही करना था तो 6 महीने के अंदर नहीं हो सकता था क्या वो? और दूसरी चीज, कंपनी का चयन हुआ पड़ा है, कंपनी से लीकेज नहीं हुई, ये कंपनी के बाहर की लीकेज है, कंपनी के बाहर की लीकेज। अब पता नहीं ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्यों गुमराह करना चाह रहे हो बच्चों को? क्यों न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई है कि कंपनी के चयन की प्रक्रिया अभी जारी है? बताइए कब कंपनी का चयन होगा, कब एग्जाम होगा? हो सकता है साल 2025 आ जाए। तो क्यों बच्चों को छलावे की तरह परेशान कर रहे हो? क्यों रोजगार देने पे नहीं तुले हुए? और यही रीजन है जो रोजगार आप लोग खींच रहे हो ना, उत्तर प्रदेश में रोजगार खींच रहे हो, इसीलिए आपकी सीट कम आई है ना? अग्निवीर सबसे बड़ी समस्या, जो अग्निवीर के कार्यकाल को घटा के मात्र 4 वर्ष का समेट कर रख दिया। तो सोचो अब की बार सत्ता भी आपके दूसरे के भरोसे से बनी है। बात करते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, ये खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। यानी दूसरे के भरोसे सरकार चलेगी, दूसरे के भरोसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, दूसरे के बल भरोसे पर शपथ लेंगे। तो भाई मैं इतना ही कहूंगा, आप किसी के बल भरोसे में भी शपथ लो, सरकार कैसे भी बनाओ, कैसे करके बनाओ, इससे मैटर नहीं है हमें। हमें मैटर है कि ये री एग्जाम की जो डेट है वो जल्द से जल्द दी जाए। इस भर्ती की तरफ और जो जितने भी भर्ती उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश में रुकी हुई है उनको आगे बढ़ाओ। जहां भी जितने रिक्त पद हैं सभी पदों को निकालो, भर्तियों को करो। रोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अगर बेरोजगारी पे काम करोगे तो अब की बार आप लोग जैसे भी करके आए हो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग पूरे समर्थन के साथ आओगे। एक और चीज, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कांग्रेस ने वादे किए, बिजली फ्री, ठीक, गवर्नमेंट ने जो वादा किया कि किसानों का लोन माफ, अगर ये वादे योगी आदित्यनाथ सरकार या नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर पूरे कर दे तो अगले 5 साल नहीं है, 10-20 साल शासन करेंगे। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। अब की बार तो थोड़ा बहुत ले भी गए हैं, अगली बार हो सकता है सूपड़ा ही साफ हो जाए। तो जो काम कांग्रेस ने करने के लिए बोला है ना, वो काम अगर ये लोग कर दें तो अगले 10 साल और शासन कर जाएंगे ये लोग, पर करेंगे नहीं ये लोग। अग्निवीर काहे को घटाया भाई? अग्निवीर का कार्यकाल कम से कम 10 साल 18 साल तो कम से कम रखना चाहिए था, 4 साल में समेट के रख दिया। तो आपने सत्ता छोड़ने के तो खुद ने काम किए हैं, आपने सोचा कि जैसे भी चल रहा है ना, हम तो तानाशाह हैं, हमारी मन की मर्जी चलेगी, बीजेपी में है। जनता ने भूत उतार के रख दिया, आपका नशा उतार दिया, आपने दूसरे के भरोसे से सरकार बनाने जा रहे हो। देखिए हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, बस इतना कहना चाह रहे हैं अपनी जो नीतियां हैं उनको छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां उनको निकालिए,
बच्चों को रोजगार दीजिए, बस इतना कहना है हमें, और जल्द से जल्द भर्ती को कंप्लीट कराइए। तो अभी तो भाई कंपनी का चयन जो न्यूज़पेपर में डाला, एक बार के लिए अपडेट झूठ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कंपनी से लीकेज था ही नहीं, ट्रांसपोर्ट से लीकेज था। हो सकता है ये लोग कंपनी के चयन के बहाने 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 इस भर्ती को और खींचे साल 2025 तक लेके जाएं। चलिए, इस पर और जानकारी मिलेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही जानकारी थी कि कंपनी के चयन की प्रक्रिया का आज का न्यूज़पेपर खुलासा करता है, और अगर कंपनी का चयन होना है तो जुलाई में भी आपका एग्जाम नहीं होना, ये पक्का है भाई, ठीक है ना, ये मान के चलना। और अपडेट मिलेगी बिल्कुल आप लोगों के समक्ष लाएंगे। फिलहाल यही अपडेट है। यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय, जय हिंद।